An ideal gas having adiabatic exponent gamma is enclosed in a vertical cylinder containing cylindrical container and supports a freely moving piston of mass m. You देख सकते हैं. Piston is slightly displaced down. Find the time period of the SHM performed. तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्वेशंस, इक्वेशन. तो कैसे लिख सकते हैं हम? भाई ऊपर से एक फोर्स आ रहा होगा. दैट इज प्रेशर इनटू एरिया. खुद वेट ऑफ पिस्टन होगा. जो नीचे पी गैस, जो प्रेशर गैस है, प्रेशर गैस इनटू एरिया से बैलेंस हो रहा होगा. ये इनिशियल सिचुएशन है जो बैलेंसिंग चल रही है. ठीक है, अब बाद में क्या होता है? हल्का सा आपने इसको पुश कर दिया तो अब यहाँ पर प्रेशर हो गया ज़्यादा. अब गैस का प्रेशर बदल जाएगा और ज़्यादा भी हो जाएगा. वो ऊपर की प्रेशर को फोर्स से डोमिनेट करेगा और इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. सो ऑन पुशिंग द पिस्टन डाउन, पिस्टन डाउन, गैस प्रेशर इंक्रीजेस एज वॉल्यूम डिक्रीजेस. कोई वॉल्यूम डिक्रीज हुआ पिस्टन का, तो ऐसे में लिखेंगे पी गैस डैश इनटू एरिया. ये अब ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों के वेट से, ग्रेटर देन पी नॉट ए प्लस एम जी, ज़्यादा हो जाएगा इससे. तो जो डिफरेंस है पी गैस डैश ए माइनस पी नॉट ए माइनस एम जी, ये एक नेट फोर्स है जो हमेशा एम इंटू ए लिखा जा सकता है. ठीक है, बाद में देखेंगे कि एम लाने पर क्या होता है. पहले हम जरा एक पी जी डैश तो लिख लें. तो इनिशियल तो ये था. लेट्स फाइंड आउट हाउ टू यूज दिस पी जी डैश. लिखेंगे ऐसे इसको. हमें एडियाबैटिक दे रखा है तो हम कह सकते हैं इनिशियली पी नॉट अंदर प्रेशर पी गैस था और इनिशियली वॉल्यूम जो था वो वी नॉट था की पावर गामा. बाद में प्रेशर पी गैस डैश बन गया और वॉल्यूम भी तो आपने हल्का सा डिस्टेंस कम किया होगा तो वॉल्यूम भी अब कम हो गया. कितना वॉल्यूम हो गया? वी नॉट माइनस एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन इनटू डिस्टेंस ए एक्स. अब हमारा ये वॉल्यूम इतना सा हो गया, इसके ऊपर भी गामा लगाना है. सो पी गैस वी नॉट गामा डिवाइडेड बाय वी नॉट माइनस ए एक्स की पावर भी गामा इज पी गैस डैश. तो पी गैस डैश निकाल लिया, लेकिन क्योंकि x छोटा है तो हल्की सी जुगाड़ यूज़ करनी पड़ेगी हमें. क्या? पहले तो आप v नॉट लिख लो ऐसे और यहाँ से v नॉट गामा कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए एक्स अपॉन वी नॉट आ जाएगा और बाहर गामा लगा रहेगा इस p गैस डैश. ये कैंसिल हो जाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे हम? p गैस लिखे रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, लगाओ बाइनोमियल 1 माइनस ए एक्स बाय वी नॉट माइनस गामा इक्वल्स टू पी गैस डैश. सो वी गैस पी जी वन प्लस गामा ए एक्स बाय वी नॉट इज पी जी डैश. तो ये हमारे गैस का बदला हुआ प्रेशर हो गया जो अब यहाँ पर हम रख सकते हैं. ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं. तो इस इक्वेशन में रखने पर हमें क्या मिलेगा? बड़ा पेज लेते हैं क्योंकि इक्वेशन बड़ी बनेगी. लेट अस सी. We have Pg dash is equals to Pg 1 plus gamma Ax divided by V naught. ये P dash हो गया. और जो हमारी non equilibrium equation है वो है Pg dash A minus P naught A minus Mg equals to Ma. इसको यहाँ रख देंगे Pg 1 plus gamma Ax डिवाइड बाई वी नॉट इन टू ए. ये ए आ गया इन टू, ये पूरा पी जी डैश है. माइनस पी नॉट ए माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए. अब इस पी जी को गुणा करेंगे हम साथ साथ. पी जी को लिखेंगे पी जी इन टू एरिया ऐसे, फिर पी जी इन टू गामा ए स्क्वायर एक्स बाय वी नॉट. देखो ए गुणा हो रहा है वन में तो यहाँ आ गया, फिर ए ए स्क्वायर हो गया, यहाँ आ गया माइनस पी नॉट ए माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए. नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन इनिशियली पी जी ए इज पी नॉट ए प्लस एम जी, यानी कि इनको कैंसिल करके टर्म हटाया जा सकता है. सो
So we have acceleration is equals to P of gas gamma a square x divided by mv naught. So acceleration आ गया. अब gas pressure हमको लिखना है बस, उसके बाद हमारा आंसर भी आ जाएगा. तो गैस प्रेशर कितना है, ये दे रखा है गैस प्रेशर यहाँ पे लिखा ना, तो पी जी आ जाएगा पी नॉट प्लस एम जी बाई ए. हमें रिप्लेस करना है क्योंकि पूरे सवाल में कहीं पी जी लेटर यूज नहीं कर सकते ना, तो एंड के स्टेप में बस हमने इसे लिखा था यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से. तो हम क्या लिखेंगे, पी जी ये ए डिवाइड हो जाएगा, पी नॉट बचेगा. तो वी कैन राइट पी नॉट प्लस एम जी डिवाइड बाई ए इन टू गामा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एम वी नॉट. तो ये जो पूरा टर्म देख रहे हैं आप, ये सब ओमेगा स्क्वायर है. तो ओमेगा बन जाएगा रूट ऑफ पी नॉट प्लस एम जी डिवाइड बाई ए इंटू गामा ए स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट. और टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई एम वी नॉट अपॉन पी नॉट प्लस एम जी डिवाइड बाई ए गामा ए स्क्वायर. दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.